आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 28 अगस्त को राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर भटट ब्लॉक के पिपरी में बनने वाले प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण स्थल का एडीजी जोन एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने किया निरीक्षण। सुरक्षा की परखी बारीकियां, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुहर्रम पर्व के मद्देनजर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति और सद्भावना समिति की बैठक। कोरोना गाइडलाइन के तहत त्योहार मनाने की अपील। कहा, अफवाह फैलाने वाले और त्योहारों में खलल डालने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही। साप्ताहिक बंदी को लेकर प्रदेश सरकार ने जारी किया नया गाइडलाइंस। शनिवार को खत्म किया साप्ताहिक बंदी, अब सोमवार से शनिवार तक खुलेंगे सभी प्रतिष्ठान। एडीएम फाइनेंस ने कहा, अब सिर्फ रविवार को ही रहेगी साप्ताहिक बंदी। कोरोना रोधी टीकाकरण के लिए जिला अस्पताल में उमड़ रही है लोगों की भीड़। एडिशनल सीएमओ ने कहा, भीड़ को देखते हुए बढ़ाया गया है काउंटर। लोगों से की अपील। कहा, पहले से स्लॉट बुक कराने वालों को दे पहले मौका। कोरोना गाइडलाइन का करे पालन। पत्नी की गला दबाकर हत्या के आरोपी पति सहित तीन अभियुक्तों को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला के परिजनों ने लगाया था दहेज हत्या का आरोप, भेजे गए जेल। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल की अध्यक्षता में संपन्न हुई भाजपा के क्षेत्रीय समिति की बैठक। कहा, 23 अगस्त को बूथ विजय अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे शुभारम्भ। कार्यक्रम को सफल बनाने के दिए निर्देश। इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य अदनान फारूक अली शाह उर्फ मियां साहब ने मुस्लिम समाज और मुतवल्लियों से की अपील। कहा, सरकार के गाइडलाइंस के तहत मनाए मुहर्रम पर्व, गरीबों की करे मदद, ना निकाले कोई भी जुलूस। नागपंचमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से आयोजित होने वाले खेलों के तहत मंडल के जाने माने 75 खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बाढ़ से बचाव संबंधित तैयारियों की समीक्षा बैठक। सभी बंधों की गहनता से निरीक्षण करने के साथ बाढ़ से बचाव के लिए सुरक्षात्मक कार्रवाई की तैयारी रखने के दिए निर्देश। मिशन शक्ति 3.0 के तहत जिला महिला चिकित्सालय में आयोजित किया गया कन्या जन्म उत्सव। प्रमुख अधीक्षिका ने नवजात कन्याओं की माताओं के साथ केक काटकर मनाया कन्या जन्म उत्सव, दिया उपहार। कहा, बेटा बेटी एक समान। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल की अध्यक्षता में संपन्न हुई नवीन विस्तारकों की बैठक। संगठन को मजबूत बनाने के लिए विस्तारकों के साथ साझा किए अपने जीवन के अनुभव। आजादी के अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। नगर आयुक्त ने कहा, स्ट्रीट वेंडर्स योजना में गोरखपुर नगर निगम है देश में दूसरे स्थान पर। 15 अगस्त तक पूरा किया जाएगा 100% लक्ष्य। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक। मिशन प्रेरणा सहित अन्य बिंदुओं पर हुई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जनपद में बुधवार को जिला अस्पताल सहित 24 केंद्रों पर 6169 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 4458 और सेकेंड डोज लेने वालों में 1711 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने की अपील। कहा, करें कोरोना गाइडलाइन का पालन, अवश्य लगवाएं टीका, जीत का। गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त शिवानंद राय उर्फ कोयल को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर में बुधवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,377। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 13 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि।
रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा कर्मचारी नेता एवं संविदा कर्मी की संविदा समाप्त करने के विरोध में बस कंडक्टरों ने आंशिक कार्य बहिष्कार कर किया धरना प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं होने पर पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। और श्रद्धा के साथ मनाए गए स्काउट एवं गाइड के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा की जयंती। स्काउट और गाइड के वॉलंटियर्स ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि।